नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। बहुत बार हमारे पास अनफॉर्चुनेटली, चाहे हम कितना भी प्रोग्रेस हो गए, हमारे यहाँ जब कपल्स आते हैं अनफॉर्चुनेटली मेल चाइल्ड के लिए पूछते हैं। ये जान लीजिए कि इंडिया में ये नॉन अवेलेबल ऑफेंस है, आपके डॉक्टर के लिए भी और कोई भी कपल जो ट्रीटमेंट कर रहा है उसके लिए भी। इसीलिए ये क्वेश्चन आप कभी भी रेज मत करिए, कभी भी इसके बारे में मत पूछिए, क्योंकि ये नॉन अवेलेबल ऑफेंस है। तो ये हो गया लीगल पार्ट। टेक्निकली भी ये इम्पॉसिबल है। इंडिया में ऐसे यंत्र ही नहीं है, ऐसे मशीन्स ही नहीं है जिससे ये अनुमान लगाया जा सके कि IVF द्वारा जो एम्ब्रियो तैयार हो रहा है उसे देखकर हम बता सके कि ये मेल है या फीमेल है। इसलिए अगर आप मिसलेड हो रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि IVF सेंटर जाके मेल या फीमेल चाइल्ड के लिए पूछ सकते हैं, ये जान लीजिए कि टेक्निकली इम्पॉसिबल है हमारे IVF लैब्स में इंडिया में। तो जब एक स्पर्म अंडे के अंदर डाला जाता है और एम्ब्रियो तैयार होता है, वो मेल भी सेम होता है, फीमेल भी सेम होता है। इसीलिए उसे देखते हुए कोई भी नहीं कह सकता कि ये गर्ल है या बॉय एम्ब्रियो है। अगर आप सोच रहे हैं कि किसी सेंटर में ऐसा होता है, कहीं करते हैं, ऐसा नहीं होता है, इंडिया में लीगल ऑफेंस है और टेक्निकली भी इम्पॉसिबल है। लेकिन आप इतना तो काउंसलिंग में आप समझ सकते हैं कि जब बच्चे नहीं हो रहे होते, और आज के जमाने में लड़कियां लड़कों से पीछे नहीं है, इसीलिए जब आपके बच्चे नहीं है, चाहे लड़की हो या लड़का हो, आपके लिए एक ब्लेसिंग है, एक वर है ये। इसीलिए आपको ये प्रश्न कतई नहीं आपके डॉक्टर के साथ उठाना चाहिए। आप अगर ट्रीटमेंट ऑप्शन समझना चाह रहे हैं, क्या करने पे आपको ये इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम सुलझ जाए जिसके कारण आपके घर में बच्चे आ सके, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स पे आइए। आपके ट्रीटमेंट ऑप्शन समझिए और ट्रीटमेंट कराने की कोशिश कीजिए। थैंक यू। A lot of effort has gone into making this video. Please like and subscribe us. Thank you.